तो सीधा बात कर लेते हैं वीडियो की, हुलिये पे मत जाना, दुकानें बाहर बंद चल रही हैं, जो खुल भी रही हैं उन पे रिस्क है, हम इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं नहीं कि घर पे इसको काट सके, चिकने हो सकते वो एक अलग बात है। आज के वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं Q&A के बारे में, नहीं Q&A के बारे में नहीं होते, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आपके कुछ ऐसे सवाल जो कस्टम रोम फ्लैश करते समय या फिर फ्लैश करने से पहले या फिर फ्लैश करने के बाद आप लोगों के मन में आते होंगे, उनका आज मैं जवाब देने वाला हूं। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो माफी चाहेंगे, बाद में पूछ लेना, आगे फिर कभी वीडियो बना देंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहें। अब शुरुआत कर लेते हैं पहले सवाल से, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कई दफा कि क्या कस्टम रोम इंस्टॉल करते हैं अगर अपने फोन पे तो फोन रीसेट हो जाएगा। सीधा सीधा जवाब है नहीं, लेकिन हाँ भी इसका जवाब है। हाँ कैसे होगा, जब आप अपने फोन में कस्टम रोम इंस्टॉल करने जाओगे पहली दफा, मेरी वो वीडियोस देख करके जो मैं अक्सर बनाता हूं और आप मेरी बातों में आ गए हो, तो जब आप अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक करोगे वहां आपका फोन रीसेट होगा। इसके बाद जब आप अपने फोन के अंदर पहली बार TWRP या फिर कोई दूसरी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने जाओगे तो वहां भी आपको अपना फोन फॉर्मेट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपकी रिकवरी आपके फोन में वैसी की वैसी बनी रहे। तो हाँ, टेक्निकली डिलीट होता है और नहीं भी होता है, तो पता है ना क्या करना है, बैकअप। अगला सवाल पेश करते हैं कि मैं अपने डिवाइस में पहली बार कोई कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहता हूं, कौन सी करूं? तो मेरा सिंपल सा कहना है, कोई भी ऐसी कस्टम रोम कर लो जो एकदम भरोसे के साथ में आती हो, मतलब बहुत ज्यादा नाम सुना हो, चाहे आप लाइनेज की बात कर लो या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस की बात कर लो। इसके आपको तीन फायदे मिलने वाले हैं। पहली तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो आपको ट्रस्टेड भी मिलने वाली है और स्टेबल भी मिलने वाली है। बाकी की जो रोम होती है उनके अंदर इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता है, वहां पे बग्स होने की संभावना ज्यादा होती है, इनके अंदर कम होती है। दूसरा, इनके अंदर कस्टमाइजेशन बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर आप पहली बार में कोई ऐसी रोम डाल लोगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन है तो वहां पे आप घूम जाओगे कस्टमाइजेशन को ही करते करते और आप कहोगे क्या बेकार एक्सपीरियंस है, मैं आगे से कोई रोम इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो पहली बार में अगर कर रहे हो तो इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो, बाद में जाओ तो किसी भी अल्ट्रा लेजेंड रोम पे जा सकते हो, फिर आप लोग कर ही लोगे ना, मतलब हाँ ठीक है मेरे को पता है आप कर लोगे। अगला सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से वो क्या है कि क्या फोन का बूट लोडर अनलॉक करना जरूरी है कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए? सीधा जवाब यस। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले फोन में तो अनलॉक आया करते थे, बाबा आदम के जमाने में जो फोन आते थे उनकी बात कर रहा हूँ। आजकल कंपनियां लॉक करने लगी हैं और आप अपने फोन के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसको रूट कर सकते हो, ना ही TWRP फ्लैश कर सकते हो, ना ही उसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो, ना ही कोई और कस्टमाइजेशन कर सकते हो अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है। तो हाँ, करना पड़ेगा अनलॉक। अगला सवाल जो पिछले वाले का ही छोटा भाई है, क्या हमें रूट करना भी जरूरी है अगर हम अपने डिवाइस पर कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं? तो नहीं, वो ऑप्शनल होता है, आपको जरूरत नहीं है उसको करने की, आप बिना उसके भी सारे काम कर सकते हो, बाय चांस जरूरत पड़ती है तो रूट कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। अब अगला सवाल उन लोगों के लिए जिनके पास में PC नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वो कहते हैं कि क्या मैं सारा काम फोन से कर सकता हूं? तो भाई देखो, सारा काम तो आप फोन से नहीं कर सकते, बाप आखिर बाप होता है जो कि PC है, मोबाइल एक मोबाइल ही होता है जो कि बेटा है, तो उससे आप 90% 95% तक काम कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए बताओ, मेरे पास Max Pro M1 है, उसके अंदर AFT मेथड होता है जिससे आप अपने फोन का बूट लोडर रीलॉक कर सकते हो और उसमें कस्टम रोम कस्टम रिकवरी इन सबको निकाल करके वापस से ओरिजिनल चीजों पर जा सकते हो, स्टॉक रोम में जा सकते हो, स्टॉक रिकवरी पर जा सकते हो। तो ये चीज आप कभी भी किसी फोन की मदद से नहीं कर पाओगे, PC आपको चाहिए चाहिए होगा, लेकिन ज्यादातर चीजें आजकल आप फोन से भी कर सकते हो जो कि अच्छी चीज है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं PC की जरूरत पड़ सकती है। तो तैयार रहना अपने किसी भी ऐसे दोस्त से जिसके पास में PC हो, जाकर के लाना PC दे, और फिर अगर ऐसा भी कोई दोस्त नहीं है तो साइबर कैफे जा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन में कहां साइबर कैफे मिलेगा, तो इतनी भी क्या जल्दी है, रुक जाओ कुछ दिन बाद में कर लेना, मरे नहीं जा रहे हो। अगला सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा गया कि फोन के अंदर पहली बार कोई कस्टम रिकवरी या फिर TWRP इंस्टॉल की, वो फोन के अंदर रुक नहीं रही है, जैसे फोन को रीस्टार्ट करते हैं फोन वापस से अपने पुराने वाले रिकवरी में चला जाता है। तो भाई यहां पे आपको बता दूं, जब कोई भी कस्टम रिकवरी आप अपने फोन के अंदर डालोगे, चाहे ऑरेंज बॉक्स है, TWRP है, हैवॉक, फैबॉक, जो भी, मतलब ये तो मैंने रोम का नाम दे दिया फ्लो में, लेकिन जो भी आप उसके अंदर इंस्टॉल करोगे वहां पे आपको पहली बार इंस्टॉल करने के तुरंत बाद अपने फोन को फॉर्मेट करना होगा, उसके बाद में आपके फोन का जो इंक्रिप्शन है वो हट जाता है टेक्निकली, और आपके फोन में जो रिकवरी है वो स्टे रहती है, उसके बाद में आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। देखो, एक चीज होती है जिसका नाम होता है लेजी फ्लैशर, मतलब लेजी फ्लैशर उसको बेसिकली बोलते हैं। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, और टेक्निकली जब आप लोगों ने पहली बार पूछा था मुझे पता तक नहीं था कि लेजी फ्लैशर होता क्या है, उसके बाद में अपन लग गए अपनी रिसर्च करने, अपने विज्ञान का इस्तेमाल करके पता लगा लेजी फ्लैशर है क्या। तो लेजी फ्लैशर बेसिकली आप लोग पूछते हो कि क्या हमें रोम इंस्टॉल करने के समय पर लेजी फ्लैशर भी डालना चाहिए? तो पहले समझ लो लेजी फ्लैशर होता क्या है। मान लो रेडमी का आपके पास में कोई फोन है, उसके अंदर आप कोई कस्टम रोम डाल रहे हो, तो वो कई बार डिटेक्ट कर लेता है कि आपने मेरे अंदर रोम चेंज कर दी है, अब मैं बूट नहीं होऊंगा भैया, क्योंकि आपने छेड़खानी कर दी है। तो आपको अपने फोन को ये भ्रम दिलाना पड़ता है कि भाई तेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है
काम कर नॉर्मली। तो इस चीज के लिए आपको लेजी फ्लैशर इंस्टॉल करना होता है, जो कि कुछ डिवाइसेस में आपको डालना पड़ सकता है, कुछ में नहीं डालना पड़ता। तो आप समझ गए होंगे लेजी फ्लैशर की जरूरत कब आपको पड़ सकती है, कब नहीं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है बूट वाली आपके साथ में तो डाल लेना, नहीं होती है तो बिल्कुल मत डालना। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो हाल फिलहाल में अभी मेरे पास आया, उसमें पूछा गया कि क्या कोई भी कर्तव्य अपने फोन के साथ ऐसा करने से पहले हमारे अपने फोन का बैकअप ले लेना चाहिए किसी भी पार्टीशन का। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, हाँ आपको बैकअप ले लेना चाहिए। अपने कॉल हिस्ट्री का ले सकते हो, SMS का ले सकते हो, अपने ऐप्स का भी ले सकते हो, इसके अलावा अपने गूगल सेटिंग्स का ले सकते हो। मैं तो ट्रू कॉलर तक का बैकअप लेके रख लेता हूँ। और इसके अलावा आप जब अपने फोन में कस्टम रिकवरी में आ जाओगे तो आपको अपने फोन के जो बूट वगैरह है या आपके फोन के जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक रोम है उस तक का बैकअप ले लेना चाहिए, खासकर तब जब आपके पास में बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा तेज वाला इंटरनेट नहीं है। मेरे पास में है तो मैं इतना ज्यादा बैकअप लेके रख लेता हूँ, लेकिन हाँ उसको हर बार रिस्टोर नहीं करता हूँ, कई बार चीजें अलग नए सिरे से ही फोन में इंस्टॉल करता हूं। लेकिन आप लोग ले लेना, कई बार क्या होता है कस्टम रोम में आकर के आपको उतना अच्छा नहीं लगता, उतना ज्यादा मजा नहीं आता, जिंदगी में चार चांद नहीं लगते और आपको वापस से सारी चीजें पुराने जैसी करनी होती है, वहां बैकअप आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और हाँ डेटा का भी बैकअप ले लेना, पता चला आपके फोटो उड़ गए फिर मुझे बोलो कि ये तो बताया ही नहीं था, ये भी जरूरी होता है, रख लेना। और आज के लिए आखिरी सवाल कि हम अभी कस्टम रोम में है, सब कुछ जिंदगी में मजा आ रहा है, लेकिन मिस करते हैं हमारे स्टॉक रोम को, वापस से उस पर जाना है, वे मिस इट। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर फोन के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, सारे तो वीडियो में ना बता पाऊंगा, अगर वीडियो एक घंटे की भी बना दी, गूगल पे जाना और वहां पे देखना कि हाउ टू गो बैक टू स्टॉक रोम फॉर आपका जो भी डिवाइस है, मैं तो एक ही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, फलाने पक्का, तो वो आप सर्च कर सकते हो, आपको मेथड मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो कैसे आप वापस जाओगे। तो बस आज के लिए हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलने का है उनको। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, मन में सवाल सुझाव कुछ भी रह गया तो नीचे का आता है ना कमेंट सेक्शन, उसमें लिख सकते हो भाई, लिटरली लिख सकते हो, सबको मैं जवाब दे रहा हूँ। आजकल बीच में आप लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए थे, आजकल उल्टा मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा कि कमेंट नहीं कर रहे हो, रिप्लाई भी तो करना होता है। और अगर सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो यहां देख रहे हो ऊपर की तरफ आ रहे होंगे, वहां जाकर के फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा और क्या होता है, VGM Shorts पे सब्सक्राइब कर सकते हो शॉर्ट वीडियोस के लिए, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो लॉन्ग वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबा सकते हो हर वीडियो पाने के लिए। मिलता हूं आपसे आने वाले वीडियो में, गर्मी बहुत है, जाना पड़ेगा, बाय।